हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न, मैं चलो निकेट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कुछ कमेंट के बारे में बात करें। धनी के बारे में बहुत सारे कमेंट मेरे पास आता है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ हर किसी कमेंट का जवाब दूँ, मगर जो कमेंट ज़्यादा आता है, मल्टीपल टाइम कमेंट आता है मेरे पास, रोज़ एक एक तरीके टाइप का कमेंट 8-10 बार आता है, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए कि एक्चुअली वो क्या था वो कमेंट या सवाल, और उसका जवाब सही जवाब क्या है, और आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो आज आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए, मैं बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, एक दो सवाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड उससे नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सके। अगर आपको धनी के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो जाइए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर धनी प्लेलिस्ट करके लिंक है, उस लिंक को ओपन करके आप धनी के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे धनी में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे KYC करना है, कैसे क्रेडिट लाइन अप्लाई करना है, कैसे क्रेडिट लाइन का यूज़ करना है और कैसे रीपेमेंट करना है, सारा रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर वो देख सकते हैं और कुछ जो आपके दिमाग में डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उस कमेंट का जवाब दूंगा, नहीं तो आपको आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के उस कमेंट को आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो चलते हैं टॉपिक में कि कमेंट ज़्यादा आता है, कि बार बार बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पास आता है कि सर जो भी धनी ऐप में जो भी हम कैशबैक अर्निंग किए हैं, जो भी कैशबैक हमको मिला है वो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए अपना बैंक अकाउंट नंबर देके, बाद में हमारे उस बैंक अकाउंट से कुछ पैसा माइनस होगा या नहीं होगा। देखिए इस पे जो भी सवाल था, पहले से हम सवाल का जवाब बहुत बार दे चुके हैं, फिर से भी मैं आपको बोल देता हूँ, जब तक आप धनी में ई मैंडेट नहीं करते हैं तब तक धनी आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं कर सकते। आप जो भी धनी से अपने बैंक अकाउंट को अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर धनी के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं होते, बस आप अपने ट्रांजैक्शन करते हैं। जब भी आप धनी के अकाउंट में जाके वहाँ पर अपने जो भी अपने अकाउंट को ई मैंडेट कराएंगे तब जाकर धनी में आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसा कटने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने कोई भी कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं तो वहाँ पे आपके अकाउंट से कोई भी पैसा कोई भी अमाउंट माइनस नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरे पास कार्ड आ चुका है, मैं अभी इस कार्ड का क्या करूँ। तो अभी कोई बोलते हैं धनीवन फ्रीडम कार्ड आ गया है, तो मैं धनीवन फ्रीडम कार्ड को अप्लाई नहीं किया था, फिर भी धनीवन फ्रीडम कार्ड आ चुका है। देखिए धनी अभी जो जब भी KYC कंप्लीट कर लेते हैं, एक फ्री कैशबैक वाला कार्ड होता है, वो फ्री कैशबैक वाला जो कार्ड है वो आपके आपके घर पे पहुंच जाता है, मगर वो फ्रीडम धनीवन फ्रीडम कार्ड नहीं है। धनीवन फ्रीडम कार्ड की तरह वो है, उसमें भी धनीवन फ्रीडम कार्ड प्रिंट हुआ है, मगर वो धनीवन फ्रीडम कार्ड की तरह काम नहीं करेगा। तब आपको धनीवन फ्रीडम कार्ड आएगा जब आप पूरा कंप्लीट KYC करके धनीवन फ्रीडम कार्ड को अप्लाई करेंगे और आपका बैंक अकाउंट ई मेंटेन कराएंगे और आपके बैंक अकाउंट से जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो माइनस होगा, फिर जाके आपके पास धनीवन फ्रीडम कार्ड आएगा। जब तक आपके अकाउंट से सब्सक्रिप्शन चार्ज आप नहीं पे करेंगे तब तक धनीवन फ्रीडम कार्ड आपके पास नहीं आएगा, और आप ये टेंशन मत लीजिए। अगर फिर भी आप सब्सक्रिप्शन पे कर चुके हैं और धनीवन फ्रीडम कार्ड आपके पास आ चुका है तो आपको वो कार्ड को एक्टिव करना पड़ेगा, आप डीएक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डीएक्टिव करने के लिए सोचेंगे तो आपको फिर से 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद धनी के पास मेल करके उसको डीएक्टिव करना पड़ेगा। अगर धनी आप सोच लीजिए आपके पास धनीवन फ्रीडम कार्ड आ चुका है और आप वो कार्ड को एक्टिव नहीं करेंगे, फिर भी आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज कट गया, क्योंकि जब भी एक क्रेडिट लाइन एक्टिव होता है तो वहाँ पे वर्चुअल कार्ड भी एक एक्टिव होता है। अगर आप वो आपके पास फिजिकल कार्ड आप यूज नहीं करते तो वर्चुअल जो कार्ड है वो कार्ड एक्टिव रहता है, तो उसका सबसे ऊंचा धनी आपसे पे लेता है। तो ये होता है धनीवन फ्रीडम कार्ड का। और जब भी जो 2% वाला फ्री कैशबैक कार्ड आता है, सोच लीजिए आप धनीवन फ्रीडम कार्ड अप्लाई नहीं किए, बस KYC कंप्लीट कर चुके हैं और आपके पास ये कार्ड आ चुका है, वो कार्ड बोला 2% फ्री वाला कैशबैक कार्ड है, उसका धनी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, उसे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लेता है, तो आप उसको एक्टिव कर सकते हैं, हर कहीं पर यूज कर सकते हैं। आपको पता है उस कार्ड को आप कहीं पर भी स्पेंड करेंगे तो आपको 2% कैशबैक मिलेगा, चाहे ऑनलाइन में करिए चाहे ऑफलाइन में करिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 2% कैशबैक मिलेगा। तो ये हो गया कार्ड की बात। बाकी हो गया रीपेमेंट की बात। देखिए काफी सारा मुझे सवाल आता है कि हमारा 5,000 क्रेडिट था, हम 2,000 यूज कर चुके हैं और 2,000 पेमेंट कर चुके हैं, फिर से क्या हमारा जो भी लिमिट है वो 5,000 हो जाएगा? नहीं होगा। आपको ये सोच लो, जब तक 5,000 आपको क्रेडिट मिला है तो आप जब तक पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप 5,000 यूज कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप 5,000 कंप्लीट पूरा ड्यू पेमेंट कर लेंगे, फिर से आपको और एक बार अप्लाई करके आपको आपका जो क्रेडिट लिमिट फिर से लेना पड़ेगा, या जो भी क्रेडिट लिमिट का लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं जो जितना आप यूज करें उतना पेमेंट करेंगे तो आपको फिर से वो क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा। आप ये दिमाग से निकाल लीजिए, जितना रुपये आपको क्रेडिट लिमिट मिला है उसको पहले पूरा यूज करना पड़ेगा, फिर पूरा रीपेमेंट करना
करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको उतना क्रेडिट लिमिट मिलेगा। तो ये था कुछ सवाल का जवाब, बहुत सारा सवाल मेरे पास आता है इस तरह का। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस कमेंट का जवाब दूंगा। अगर ज़्यादा पूछा गया सवाल होगा तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बात कुछ नया जानने लेके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फिर से बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लिक करिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।